नमस्कार, मेरा नाम जानवी राजपूत है और आज ई कॉन्टेस्ट के द्वारा आयोजित फादर्स डे के कॉम्पिटिशन में मैं फादर के ऊपर कुछ लाइनें कहना चाहती हूँ। फादर के ऊपर जितनी लाइनें कहूँ उतनी कम है। पहली बात तो कोई ऐसी स्पेसिफिक डे नहीं है जिनको जो हम उनको डेडिकेट करें, हमारी पूरी लाइफ उनके लिए है। वो इतना कुछ करते हैं हमारे लिए, मेरे फादर मेरे साथ हमेशा खड़े रहते हैं, जो चीज़ मांगो वो हमको प्रोवाइड कराते हैं और ऐसे ही सबके फादर्स करते हैं। तो कुछ लाइंस तो मैं नहीं कह पाऊँगी स्पेसिफिकली, पर मैंने एक कविता लिखी है जो कि कुछ इस प्रकार है। तो आप सब लोग कविता सुनिएगा। कभी अभिमान तो कभी स्वाभिमान है पिता, कभी धरती तो कभी आसमान है पिता। जन्म दिया है अगर माँ ने, जानेगा जिससे जग वो पहचान है पिता। कभी कंधे पर बिठाकर मेला दिखाते हैं पिता, कभी बन के घोड़ा घुमाते हैं पिता। माँ अगर पैरों पर चलना सिखाती है तो पैरों पर खड़ा होना सिखाते हैं पिता। कभी रोटी तो कभी पानी है पिता, कभी बुढ़ापा तो कभी जवानी है पिता। माँ अगर है मासूम सी लोरी तो कभी न भूल पाऊंगी वो कहानी है पिता। कभी हंसी तो कभी अनुशासन है पिता, कभी मौन तो कभी भाषण है पिता। माँ अगर घर में रसोई है तो चलता है घर जिससे वो राशन है पिता। कभी ख्वाब को पूरी करने की जिम्मेदारी है पिता, कभी आंसुओं में छिपी बेचारी है पिता। माँ अगर बेच सकती है जो रत में गहने, तो जो खुद को बेचते वो व्यापारी है पिता। कभी हंसी कभी खुशी का मेला है पिता, कभी कितना तनहा और अकेला है पिता। माँ तो कह देती है अपने दिन की बात, सब कुछ समेट के आसमान सा फैला है पिता। मैं आशा करती हूँ कि आपको एक छोटी सी कविता पसंद आई होगी। फादर्स डे के ऊपर कुछ कहना कम पड़ जाएगा, इसीलिए मैंने कुछ चंद शब्दों में बहुत कुछ कहने की कोशिश की है। आशा करती हूँ आप सभी समझें और आप सभी को पसंद आए। मेरी तरफ से सभी को हैप्पी फादर्स डे। थैंक यू ई कॉन्टेस्ट फॉर गिविंग मी दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू मेकिंग द वीडियो फॉर माई फादर ऑन दिस स्पेशल ओकेजन ऑफ फादर्स डे।